हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कार्तिक मास का पहला सोमवार है। मैंने इसके पहले भी आपके साथ कार्तिक मास के सोमवार का वीडियो शेयर किया है, उपाय शेयर किया है। आज भी मैं आपके साथ इस वीडियो में कार्तिक मास के सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक मास का अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव का पूजन किया जाता है। तो यदि आप अपने घर में धन संपदा चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं या अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो आपको कार्तिक माह के सोमवार के दिन इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय, आपको एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करना है। कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो धतूरे की डंडी है वो आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और धतूरा आप शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं, अगर वहाँ ना आ रहा हो तो आप जलाधारी के आसपास भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सोमवार के दिन एक बेलपत्र अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए, अर्थात बेलपत्र की जो डंडी है वो आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए। धतूरा और बेलपत्र दोनों अर्पित करते समय आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, जो भी आप चाहते हैं उसकी आपको प्रार्थना करनी है। इसके अलावा आपको सोमवार के दिन, कार्तिक माह के सोमवार के दिन, अपने घर में एक लोटे में जल ले लेना है। उसमें आपको एक मूंग का दाना डाल लेना है और उसके बाद आपको उसे ले जाकर शिवालय में शिवलिंग में अर्पित करना है। तो शिवलिंग में जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसका तरीका यह है कि आपको सबसे पहले भगवान गणेश की जगह पर जल अर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर जलाधारी और फिर शिवलिंग पर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करना है। इसके अलावा आप सोमवार के दिन एक बेलपत्र और एक शमी पत्र दोनों लेकर शिवालय चले जाइए। वहाँ आपको जो बेलपत्र हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और जो शमी पत्र हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो जो बेलपत्र है उसकी डंडी आपको शिवलिंग की ओर रखना है और जो शमी पत्र है उसका सामने का भाग आपको डंडी की ओर रखना है। यह सभी उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी के लिए हैं। यदि आप कार्तिक मास के किसी भी सोमवार को इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। तो इस कार्तिक मास पर इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।